जयपुर में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए हरिओम जनसेवा समिति के कार्यकर्ता पिछले 9 दिनों से जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। आपको बता दें, जिला प्रशासन ने समिति को 5 थाना क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंप रखी है, लेकिन समिति लगभग आधे शहर को अपनी सेवाएं दे रही है। इस दौरान रोजाना करीब 25,000 लोगों को खाना खिलाया जा रहा है और इसी के साथ 15,000 लोगों को खाने के पैकेट्स भी वितरित किए जा रहे हैं। साथ ही में 10,000 जरूरतमंद लोगों को उनके घर पर खाना मुहैया कराया जा रहा है। समिति को एक दर्जन अन्य संस्थाओं का भी सहयोग फिलहाल मिल रहा है। समिति के संरक्षक संस्थापक राजेंद्र सदानंद महाराज का इस पर कहना है कि जब तक राजधानी जयपुर में लॉकडाउन रहेगा, तभी तक ये व्यवस्था निरंतर जारी रहने वाली है।